गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एवरीवन। आज ड्राइंग बनाने और आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट जो हमारे घर के अंदर हमारे सामने कई तरह के होते हैं, वो ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करना है वो आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो और फिर उसकी प्रैक्टिस आपको घर पे ही करना है। तो सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट आप करोगे तो सेंटर लाइन को पहले लेके आपको ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। सेंटर लाइन इसलिए कि ऑब्जेक्ट आपको दोनों तरफ ठीक हो और बराबर ड्रॉइंग हो। तो सबसे पहले लेंगे सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के बाद आपको हम पानी का मट्टी का मटका बनाएंगे। सबसे पहले ये हो गया उसका ऊपर का पार्ट। यहां से राम लेकर तो यहां जो जितनी डिस्टेंस यहां पर है उतना ही डिस्टेंस लेने के लिए आपको क्या करना है, हल्के से गाय ले लो। डिस्टेंस देखो दोनों तरफ का और एक दूसरी तरफ का कर लो। पहले लाइट पॉइंट करना है, बाद में उसको फाइनल करने के लिए ठीक डार्क पॉइंट करना है। पहले से डार्क पॉइंट नहीं करना है। ये हो गया मट्टी का आपका पानी भरने वाला मटका, ठीक है। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे पानी भरने वाली बकेट। बकेट दो तरह की होगी, मेटल की होगी और एक प्लास्टिक की होगी। आपको फिर से वही सेंटर लाइन लेके ड्रॉइंग स्टार्ट करना है। सेंटर लाइन लिया, फिर स्लीपिंग लाइन लिया, नीचे तरफ भी स्लीपिंग लाइन लिया दो, ठीक है। फिर यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया, ये दोनों तरफ सेम प्रयोग हो तो खास ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ और दूसरी तरफ नीचे की तरफ है, यहां से थोड़ा बाहर आ जाए पार्ट। यहां से इस पर एक्स्ट्रा लाइन जो होगी वो बाद में इसको आप यूज कर सकते हैं। ये हो गई प्लास्टिक की बकेट। उसके बाद हम लेंगे मेटल बकेट। इसे वाइन सेंटर लाइन स्लीपिंग लाइन नीचे तरफ भी स्लीपिंग लाइन होने जैसे पहले किया था वैसे ही स्लीपिंग लाइन। तो यहां से पूरा ये रहेगा सीधा। जैसे यहां हैंडल में नीचे था, इसमें हैंडल के लिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा। यहां से इसी के ऊपर रहेगा।
ये हो गया आपके मेंटल के बारे में। ये एक्स्ट्रा है आपको बिता देना है। तो जो अपने घर के अंदर जो ऑब्जेक्ट आपके पास है, पानी का ग्लास आएगा, टम्बलर आएगा, वो भी आप ले सकते हैं। तो लेकिन ड्राइंग करने का वही तरीका है, सेंटर लाइन लिया, सेंटिंग लाइन लिया, ये पानी का ग्लास हम बना रहे हैं अभी। ठीक है, सेंटर में आपको मिला नहीं है। शेप्स कई तरह के होते हैं, उसको आपको देखना है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व पीछे करो और सामने रख के भी आप ड्रॉइंग कर सकते हो। जैसे अभी दूसरा ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूं, वही पहले मैंने तो बताया था वैसे राइट करना है। एक्स्ट्रा लाइफ जो आपको बता दी है, इसके अंदर आपको जो डिजाइन लेना चाहते हो वो ले सकते हो। उसके बाद वॉटर बॉटल, इसके लिए भी हम सेंटर लेंगे। तो ये हो गया आपका वाटर बॉटल, एक्स्ट्रा यार बीच से आपको निकाल के लिए। इस तरह से कई तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। अभी हम लेंगे टम्बलर, जो हम हर वक्त सुबह में यूज करते हैं, हम देखते हैं हर वक्त लेकिन कोई नहीं करते, लेकिन आज ये ड्रॉइंग करेंगे। सेंटर में बीच से वैसे ही लेना है, कोयल हो गया, हल्की से डबल लाइन हो गई। फिर से वापस सेंटर लाइन निकाल लेंगे। आएगा जैसे हमने मट्टी का मटका बनाया था, वैसे ही एक मटका और आएगा, लेकिन वो मेटल का रहेगा, ग्रास का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, तो वो आपको दिखाया जाएगा। सेंटर लाइन वैसे यहां से इसे कोयल होगा,
ये जो मटका बना वो ब्रास का है, ये स्टील का नहीं है। स्टील का जो मटका रहेगा उसका ये वाला साइड होगा इस तरह से सीधा रहेगा। ये स्टील का, स्टील में ये पॉइंट जो रहेगा वो सीधा रहेगा, लेकिन ब्रास में थोड़ा सा वो अंदर की तरफ टर्न होगा। तो आज का आपका ये ड्राइंग हुआ ऑब्जेक्ट ड्राइंग। नेक्स्ट टाइम आपको शेडिंग इसमें कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप घर पे आपके घर पे जो ऑब्जेक्ट्स है सामने रख के प्रैक्टिस करिए और इससे पहले इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।